जिला में विभिन्न विभागों के माध्यम से करवाए जा रहे विकासात्मक कार्यों को लेकर जिला परिषद की त्रिमासिक प्रगति समीक्षा बैठक का आयोजन जिला परिषद सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने की। बैठक के दौरान जिला के समस्त जिला परिषद के सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। जिला में विभिन्न विभागों के माध्यम से किए जा रहे विकासात्मक कार्यों को लेकर जिला परिषद की त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठक जिला परिषद सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर के अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिला के समस्त जिला परिषद सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने अमरोह पस्थल सड़क की टॉरिंग तथा बदियाना मोड़ के पास खराब सड़क पुलिस थाना बोरन से बरेड़ी सड़क, बरेड़ी से चंद्रूही, बरेड़ी से सुलगान बस्ती से मनोह बाया, खतरबाड़ उवाह देवी से तर्कवाड़ी तथा डेरा परोल से रूपड़ी कंचाना कॉलेज विभिन्न सड़कों की आवश्यक मरम्मत, पैच वर्क तथा टॉरिंग शीघ्र करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए, ताकि लोगों तथा वाहन चालकों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। उन्होंने कहा कि जिस कार्य के लिए टेंडर किए जाने हैं, उसके लिए शीघ्र टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर कार्य को अवार्ड किया जाए। उन्होंने एनएच के अधिकारियों को कहा कि हीरानगर स्थित कतना टिम्बर हाउस के पास जो मिट्टी इकट्ठी की गई है, उसे शीघ्र डंपिंग साइट पर ले जाना सुनिश्चित करें। सुजानपुर उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत खेरी में गौ सदन निर्माण को लेकर भी चर्चा की गई तथा पशुपालन विभाग के अधिकारियों को शीघ्र भूमि की उचित प्रकार से निशानदेही करवाकर लोक निर्माण विभाग को 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। जिला परिषद उपाध्यक्ष चंदूलाल चौधरी ने कहा कि मंझियार व पखरोल सड़क की स्थिति बहुत अधिक खराब है तथा शीघ्र ही इसकी मरम्मत की मांग की है। इस पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है तथा 2 माह के भीतर मरम्मत तथा पैच वर्क को कर दिया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम ने कहा कि बैठक में जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमें से अधिकतर का निराकरण भी किया गया तथा अन्य मुद्दों का समाधान भी इसमें बद्ध होना अति आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनहित से जुड़े प्रत्येक मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें तथा जिला परिषद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब बैठक में 15 दिन पूर्व भिजवाएं, ताकि बैठक के दौरान हर मुद्दे पर उसके समाधान को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया जा सके। जो हमारा मुख्य मुद्दा था हमारे सभी जिला परिषद मेंबर का, इसमें जो हमारी बरसात के दौरान सड़कों की स्थिति खराब हुई, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा की गई और जो विभाग के एक्सेंस थे अलग अलग सब डिविजन्स के, उन्होंने भी ये अश्योर किया है कि लगभग 30 नवंबर तक हमीरपुर ज़िला की जितनी भी सड़कें हैं जहाँ से भी टूटी है उनको रिपेयर कर दिया जाएगा। अक्सर एक रिदौन के अमलैर का मामला है कि पानी की समस्या थी, उसमें कुछ नहीं हो पा रहा, आपके 22 पैरेंट ने मामला उठाया है। नहीं, उसमें कहा था पहले वहाँ टैंक नहीं था और टैंक के माध्यम से वहाँ जो सप्लाई थी वो नहीं आती थी, तो अब विभाग ने वहाँ टैंक बना दिया और उसमें सप्लाई भी दे दिया और कुछ ही दिनों के अंदर लगभग दिवाली से पहले पहले उस गाँव को पानी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे ज़िला परिषद के मेम्बर्स थे, उन्होंने जो हमारा अपना पैसा है फिफ्थ स्टेट का, उसमें उनके नाम नहीं लिखे जाते, तो जितने भी विकास खंड अधिकारी हैं वो आज समिति के माध्यम से निर्देश दिए गए, जहाँ जहाँ भी, चाहे वो ब्लॉक समिति के माध्यम से पैसा गया, चाहे वो जिला परिषद के माध्यम से गया, या विधायक गया, हमारे सांसद ने उस पैसे को दिया है, वहाँ पे उनका नाम, उनके नाम के पट्टी का या जितना पैसा दिया वो वहाँ अंकित होना चाहिए। इसके साथ जो आज मुद्दा रहा, जैसे पिछले वर्ष तूफान के माध्यम से जो कांगू का एरिया था, लगभग हमारे लाखों रुपए के जो चील के पेड़ गिर गए लेकिन आज तक नहीं उठे, उसको भी इस मीटिंग के माध्यम से जोर शोर से उठाया गया है और डीएफओ हमीरपुर ने यह अशोर किया है कि इसका टेंडर कर दिया गया और बहुत जल्द उनको उठा दिया जाएगा। सर, धूप की गुणवत्ता को लेकर बड़ा कि पहले जो वहाँ दौड़ बाबा बालकनाथ में पूजा के लिए जो धूप प्रयोग किया जाता था वो वहीं से बनाया जाता था, लेकिन 2009 में 10 में जब वो मशीन खराब हो गई तो उसके बाद उस मशीन को है तो वहीं लेकिन उसको रिपेयर नहीं करवाया गया और जो बाहर से धूप लाया जाता है उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है। हमने भी कहा है, कल मैंने जिलाधीश महोदय से भी उनके संज्ञान में इस चीज़ को लाया था और उन्होंने स्पष्ट किया है कि उस मशीन को ही ठीक करवा के वहीं ही धूप बनाया जाएगा। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।